क्या तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं? हर तरफ मायूसी छाई हुई है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो सुनो, कभी देखा है किसी माँ ने अपने बच्चे को घुप अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिसकी रहमत की कोई हद नहीं, वो कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? तो फिर इस वाहदहु ला शरीक पर यकीन रखो, वो अपने वादों में बहुत सच्चा है, वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। और वो तन्हा छोड़ दे, दिल कैसे तस्लीम कर सकता है इस बात को कि वो छोड़ देगा या उसने छोड़ दिया है? वो तो शारख से भी ज़्यादा करीब है। जब तुम अल्लाह को पुकारो तो सच्चे दिल से और इस यकीन से पुकारो कि तुम्हारी पुकार ज़रूर कबूल होगी। सबसे बढ़कर सब्र, सब्र करो और फिर उस पर भरोसा करो। जब आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगें तो याद रखें कि आपकी किस्मत पहले ही लिखी हुई है। जो चीज़ आपके मुकद्दर में है वो आपकी ही होगी, और जो नहीं है वो कभी आपकी नहीं होगी। लिहाजा ये याद रख कर अपने आप को तसल्ली दें कि ये सब लिखा गया है। और याद रखें, जब तक हम अपने अल्लाह की अतात करते हैं ना, उसकी खुशनूदी हासिल करते हैं, तो वो हमें सिर्फ वही अता करेगा जो हमारे लिए बेहतर है, बेहतरीन है। और वो हम पर कभी उस चीज़ का बोझ नहीं डालेगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यकीन करें कि चाहे वो आपकी ज़िंदगी का सफ़र हो, करियर हो, जो कुछ भी हो, उसने उसे पूरी मोहब्बत से लिखा है। कुरानी मजीद में इरशाद बारी ताला है, यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। सोच यहीं तक रहे कि अल्लाह पाक सब खैर करेगा। हर काम के पीछे मसलिहत होती है। कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में उस रब्बे अज़ीम की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आपका रब सबसे बेहतरीन कारसाज है। सब उस पर छोड़कर आप पुरसकून हो जाएं, क्योंकि वो अता करना जानता है। दिल जब अल्लाह की बंदगी और उसके लिए इखलास का मज़ा चख लेता है ना, तो फिर उसके लिए कोई चीज़ उससे ज़्यादा शीरीं, खुशगवार और लजीज तर नहीं रहती। अल्लाह हमें पाक करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हमें अपने करीब लाने के लिए आजमाता है, मुश्किलात से दो चार करता है। वो हमारी दुआओं का जवाब इन तरीक़ों से देता है जो हमारे लिए बेहतरीन है, चाहे हम उसे फौरन ना देख पाए। उसके पास हमारे लिए एक मंसूबा है जो हमारे अपने मंसूबों से कहीं बेहतर है। प्यारे व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाया होगा और आपके दिल को सुकून ज़रूर मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।